गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 12 फ्रिक्शन। लास्ट जो लेसन हमने डिस्कस किया था वो क्या था, 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो इस लेसन के अंदर जो हम रीड करेंगे फ्रिक्शन, वो हम सम रीड कर चुके हैं किसमें, हमारे लास्ट चैप्टर में 11 चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमने बात की थी, अगर हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, अगर हम फोर्स लगाते हैं, मान लो कि हम इस पर फोर्स लगाते हैं, यहां से हमने इस पर फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन हमारा कैसे होता है, फ्रिक्शन हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो लगता है वो क्या होता है, हमारे पास फ्रिक्शन होता है। दैट मीन्स फोर्स को जो अपोज करता है, हम इस बॉक्स को यहां से क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इसको धकेल रहे हैं, तो इसे अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, एक फोर्स यहां पर लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम रीड करेंगे कि फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव सीन ए ड्राइवर ऑफ कार या फिर ट्रक स्लोविंग डाउन द व्हीकल एट ए ट्रैफिक सिग्नल पर, वो क्या करते हैं, यू टू स्लो डाउन यूअर बाइसिकल वेदर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो जब हम क्या साइकिल चलाते हैं या ट्रक चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो उसकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक्स लगाते हैं। तो ब्रेक्स हम क्यों लगाते हैं, ब्रेक्स लगाने का यहाँ पर क्या रीजन है, वो हम रीड करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। यू हैव एवर थॉट व्हाई व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड। अब आपने ये सोचा होगा क्यों, कि जब आप ब्रेक लगाते हो तो आपका जो व्हीकल है वो वहां पर स्टॉप क्यों हो जाता है। ठीक है, नॉट ओनली व्हीकल, एनी ऑब्जेक्ट जो भी हमारे पास मूविंग एवर द सरफेस ऑफ अनदर, दैट मीन्स कि जब दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो क्या है, वहां पर सम टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, मूविंग एवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन वेन एवर नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जैसे कि हम इस पेन की बात करते हैं, इस पेन पर मैं जितना यहाँ पर फोर्स अप्लाई करती हूँ उतना ही ये मूव करता है, अदरवाइज ये हमारे रेस्ट की कंडीशन में आ जाता है, दैट मीन्स कि ये मूव नहीं करता है। तो यहाँ पर इसके पास यहाँ पर क्या रीजन है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स होता है कि जो हम फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, अगर मैं फोर्स लगाना बंद कर देती हूँ तो पेन भी मेरा क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। फाइनली इट स्टॉप, हैव यू नॉट सीन ए मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम, मतलब कि अगर हमने किसी बॉल को ग्राउंड पे मूव करवाया तो वो भी क्या है, सम टाइम के बाद रुक जाती है। व्हाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन द बनाना पिल, कि जब हमारा पांव किसी बनाना पिल के ऊपर आता है तो हम फिसल जाते हैं, तो वो वहां पर क्यों होता है। व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ एंड वेट फ्लोर, अगर हमारे पास कोई स्मूथ फ्लोर हो, लाइक अगर हम यहाँ पर किसी पत्थर की बात करते हैं या फिर किसी टाइल की बात करते हैं, तो टाइल हमारे पास ज्यादा स्मूथ सरफेस होता है जिसके कारण हम वहां पर स्लिप हो जाते हैं, या फिर किसी वेट फ्लोर पर, तो ये हमारे पास क्यों होते हैं, इनका रीजन क्या है। यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। मेनली इन सब का रीजन हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्शन। लेसन 11th में हमने फोर्स को क्या रीड किया था, कि फोर्स हमारे पास क्या होता है, पुल या फिर पुश, किसी चीज को पुल या फिर पुश करना हमारे पास क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, हमें पता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट, लाइक ये हमारे पास बुक है एंड नोटबुक है, जब ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है, तो हमारे पास वहां पर क्या है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। तो जेंटली पुश ए बुक ऑन ए टेबल, अगर हम किसी बुक को वहां पर टेबल पर पुश करते हैं तो ये हमारे पास एक्टिविटी है। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस, वो सम डिस्टेंस के बाद वहां पर स्टॉप हो जाती है, तो उसका रीजन क्या है। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, फर्स्ट हमने क्या किया, जैसे कि इस पेन की बात करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव किया, अगेन हम इसको इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर वहां पर फोर्स सेम रहता है तो बुक का डिस्टेंस भी सेम रहता है। तो डज द बुक स्टॉप This time to, can you think of explanation? Can you say that a force be acting on the book opposing its motion? This force is called force of friction. That means उस book के और table के contact में जो हम force लगा रहे हैं उससे opposite direction में जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, force of friction कहलाता है। You so that if we apply the force along the left, अगर हम force left direction में, अगर हम force इस direction में लगाते हैं तो friction हमारा क्या है, opposite direction में लगता है। along right, if we apply the force along the right, the friction along the left direction, in this
इन बोथ द केस फोर्स क्या है, अपोज करता है मोशन ऑफ द बुक के, एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स, दैट मीन्स कि अगर हम पेन को इस डायरेक्शन में धकेलते हैं तो फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। इन अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस एंड द बुक एंड द सर्फेस ऑफ द टेबल, वहां पर हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सर्फेस, क्या हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हर सर्फेस के लिए सेम होता है। डज इट डिपेंड अपॉन द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस, हमें ये चेक करना है क्या वो किसी सर्फेस की स्मूथनेस पे डिपेंड करता है, दैट मीन्स कि हमारा जो सर्फेस है वो कैसा है, कि चिकना है या फिर रफ है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हम क्या रीड करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या क्या लेनी है, यहाँ पर एक टाई ए स्ट्रिंग अराउंड ए ब्रिक, हमें एक ब्रिक के अराउंड एक स्ट्रिंग लेनी है, उसको अटैच करना है, फिर हमें क्या करना है, पुल द स्ट्रिंग बाय ए स्प्रिंग बैलेंस, ये हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, इससे उस ब्रिक्स को पुल करना है, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है, किसके साथ में, एक तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पर हमें मेजर करना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा कितना रहता है, फिर हमें क्या करना है, एक पॉलिथिन लेना है, उसके अराउंड मतलब इस ब्रिक्स को लेना है एंड देन मेजर करना है, उसके बाद हमें क्या लेना है, एक जूट का बैग लेना है, उससे हमें चेक करना है कि वहां पर क्या हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम रहता है, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास एक मेजरिंग डिवाइस होती है द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वहां पर फोर्स लगता है, वो हमारे पास क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए कोल्ड स्प्रिंग, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा होता है अगर आपने देखा हो तो, विच गेट स्ट्रेच व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं या फिर कोई हैवी ऑब्जेक्ट इसकी इसे टाई कर देते हैं तो ये क्या स्ट्रेच होता है, वहां पर खिंच जाता है। मेजर करता है पॉइंटर मूविंग ए ग्रेजुएटेड, यहाँ पर एक स्केल होता है, एक स्केल बना होता है, उससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर कितना फोर्स आता है। रीडिंग ऑन द स्केल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यहाँ पर जो रीडिंग है वो हमें क्या बताती है कि यहाँ पर कितना फोर्स लगा है। सेकेंड है हमारे पास एक्टिविटी 12.3। एक्टिविटी 12.3 में हमें क्या करना है, अगेन हमें वही चेक करना है कि स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस क्या डिपेंड करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर। इसके लिए हमें क्या करना है, एक हमें इंक्लाइंड प्लेन लेना, इंक्लाइंड प्लेन दैट मीन्स कि इस टाइप का प्लेन, कि अगर मैं पेन इसको ऐसे रखती हूँ तो ये ऐसे यहाँ पर आता है, इंक्लाइंड प्लेन लेना, एंड वो भी हमारा टू टाइप से लेना है, एक हमें रफ लेना है, दूसरा हमें क्या लेना है, बिल्कुल स्मूथ लेना है, ठीक है। जैसे कि हमें इस एक्टिविटी में दिखाया गया है कि अगर यहाँ पर मैं ये बिल्कुल स्मूथ यहाँ पर सरफेस लेती हूँ तो मेरी जो पेंसिल है या फिर सेल है जो मैं यहाँ से डालती हूँ तो वो क्या है, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाती है, ये है मेरे स्मूथ सरफेस की अगर मैं बात करती हूँ। अगर मैं यहाँ पर सरफेस रफ लेती हूँ तो यहाँ पर डिस्टेंस मेरा क्या है, इस ऑब्जेक्ट के बीच का और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, लेकिन अगर मैं सरफेस यहाँ पर क्या लेती हूँ, रफ लेती हूँ, तो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स अगर मेरा सरफेस स्मूथ है तो डिस्टेंस क्या है, वो ज्यादा ट्रेवल करती है, दैट मीन्स की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर ज्यादा होता है, अगर वहां पर रफ है तो वो क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड इज द मिनिमम, अगर हम रफ सरफेस लेते हैं तो डिस्टेंस कवर हमारे पास क्या है, मिनिमम है, कम है। वाई इज द डिस्टेंस कवर बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, यहाँ पर डिफरेंट क्यों आया है, उसी का रीजन हमें यहाँ पर सर्च कर। डज द डिस्टेंस, क्या हमारा डिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ सर्फेस ऑन विच सेल मूव, हाँ जी, यहाँ पर हमारा सर्फेस का जो नेचर है वो डिपेंड करता है कि हमारा सर्फेस कैसा है। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल, यस, अगर हमारा सर्फेस वहां पर स्मूथ होता है तो डिस्टेंस ट्रेवल हमारा ज्यादा होता है, अगर सर्फेस मेरा रफ होता है तो डिस्टेंस ट्रेवल हमारा क्या होता है, कम होता है। अब हमें यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास इररेगुलरिटीज यहाँ पर क्या होती है। तो जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर टू टाइप का सरफेस होता है, हमारे पास ये इस टाइप का सरफेस होता है, ठीक है, अगर हमारे पास ये जो अगर इस टाइप से हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटरलॉकिंग सिस्टम है, दैट मीन्स लॉक टाइप यहाँ पर लॉक हो जाता है जिसके कारण वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देता, यही हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्शन होता है।
तो जब हम यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो मेरा सिस्टम है ये क्या हो जाता है यहाँ पर लॉक हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं इंटरलॉकिंग। ये मेरी क्या है यहाँ पर इररेगुलरिटीज है। दैट मीन जो सरफेस हमें स्मूथ दिखाई देता है वो हमारा कैसा होता है, वो इस टाइप का होता है कि उसमें, एंड जब मैं फोर्स यहाँ पर अप्लाई करती हूँ तो ये एक दूसरे में यहाँ पर क्या हो जाते हैं लॉक हो जाते हैं, जिसको हम जैसे हम की और लॉक की बात करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इररेगुलरिटीज ऑन द सर्फेस इन द कॉन्टैक्ट, जिसके भी कॉन्टैक्ट में आते हैं वहां पर मेरा क्या हो जाता है ये फ्रिक्शन ऑब्टेन होता है। इवन दो सर्फेस विच अपियर वेरी स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मेन रेगुलरिटीज, दैट मीन्स कि वो हमारे पास रेगुलरिटीज ऑन द सर्फेस लॉक इनटू द अनदर, दैट मीन्स कि वो एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाते हैं, जैसे हमारा की और लॉक होता है। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सर्फेस वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स, अब हमें वहां पर क्या एक फोर्स अप्लाई करना होता है टू ओवरकम इंटरलॉकिंग, दैट मीन्स उस लॉक को ब्रेक करने के लिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर जो लॉक बन चुका है उस लॉक को यहाँ पर ब्रेक करने के लिए हमें एक फोर्स अप्लाई करना होता है, एंड उस फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो इंटरलॉकिंग है हमारे पास ब्रेक हो जाती है एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर मूव करने लगता है। ठीक है, तो ऑन रफ सर्फेस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ मिंट रेगुलरिटीज, अब जो रफ सर्फेस है उसमें इररेगुलरिटीज ज्यादा होती है जिसके कारण हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता है, जैसे कि हमारा यहाँ पर डिस्टेंस कम था एंड जो हमारे पास स्मूथ जो सर्फेस था उसके अंदर हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा था। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ द सर्फेस इज इन्वॉल्व, अगर हमारे पास सर्फेस यहाँ पर स्मूथ होता है, ठीक है, अगर हमारे पास वहां पर सरफेस अगर स्मूथ है तो फोर्स फ्रिक्शन क्या होता है ग्रेटर होता है, अगर ग्रेटर वहां पर फ्रिक्शन होता तो डिस्टेंस ट्रेवल हमारे पास क्या होगा कम होगा, अगर सरफेस स्मूथ है तो हमारा फ्रिक्शन क्या है लेस होगा एंड डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा ज्यादा होगा। वी सी दैट फ्रिक्शन कोज करता है इंटरलॉकिंग ऑफ रेगुलरिटीज इन द टू सर्फेस, इट इन्वॉल्व्स दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब इंक्रीज होता है इफ सर्फेस आर प्रेस्ड एंड हार्ड, यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग, दैट मीन्स किसी चीज को धकेलना, ए मैट व्हेन नो बॉडी इज सिटिंग, अगर उसके ऊपर अगर हमारे पास हम किसी मैट की बात करते हैं अगर उसके ऊपर कोई सीट नहीं है अगर हम उसको खींचते तो वहां पे हमारे पास कितना फोर्स लगता है, व्हेन ए पर्सन इज सिटिंग ऑन, मतलब कि जब वो उसके ऊपर मतलब बैठे होते हैं तब हमें ज्यादा फोर्स लगता है एंड जब कोई नहीं होता तो हमें वहां पर कम फोर्स लगता है। रिकॉल यूर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव ए हैवी बॉक्स वन प्लेस टू अनदर, इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस गेट दैट एक्सपीरियंस, मतलब कि इस टाइप से हमें कोई एक्टिविटी करनी है वहां से चेक करना है वट इज इजियर, हमारे लिए इजी वहां पर क्या रहता है, ठीक है, उस मतलब कैसे हमें बॉक्स को वहां पर मूव करवाना इजी रहता है, द फोर्स रिक्वायर्ड, हमें वहां पर फोर्स रिक्वायर्ड होता है टू मतलब ओवरकम डिक्रीज करने के लिए फ्रिक्शन एट इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, एंड उसका हम मेजर करते हैं कि मतलब रेस्ट में वहां पर कितना फोर्स है एंड जब वो मूव करता है, स्टेटिक का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव करता है। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज ए मेजर ऑफ स्लाइडिंग द फ्रिक्शन, दैट मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है अगर हम इसको स्लांटेड बना देते तो हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ पर स्लाइड करता है, तो व्हेन द बॉक्स स्टार्ट करता है यहाँ पर स्लाइडिंग द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑन इट्स सर्फेस डज नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक, मतलब वहां पर उसको इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता कि वो वहां पर मतलब कि इंटरलॉकिंग का मैकेनिज्म कर पाए, ठीक है, पॉइंट ऑन द फ्लोर so the sliding friction is slightly smaller, यहाँ पर जो sliding है वहां पर हमारे पास friction क्या होता है कम होता है जिसके कारण हमारा object क्या है ज्यादा move करता है as compared to static friction, and you find it somewhat easier to move the box already in the motion when we get start, that means कि जब हम उसको motion में वहां पर start कर देते हैं। friction क्या है हमारे पास a necessary evil, that means friction हमारे पास क्या है फ्रिक्शन की वह हमारे पास एडवांटेज भी होती है कि ये हमें चलने में हेल्प करता है, राइटिंग में हेल्प करता है, पेन को पकड़ने में हेल्प करता है, लेकिन कुछ एक हमारी क्या होती है इसकी डिसएडवांटेज होती है, तो वो हम चेक करते हैं यहाँ पर क्या है। रिकॉल नाउ सम ऑफ यूअर एक्सपीरियंस इज इजियर टू होल्ड, मतलब कि अर्थन पोट अगर हम उसको
कुल्हार जो मिट्टी का जो बना होता है उसको पकड़ते हैं, ठीक है, या फिर ग्लास टम्बलर। ग्लास जो टम्बलर होता है वो हमारा स्मूथ सरफेस का होता है एज कम्पेयर टू अर्थन पॉट जो हमारा मटका होता है, वो हमारा रफ सरफेस होता है। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रेसी, मतलब कि चिकना होता है, जे फिल्म ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, मतलब कि वो चिकना होता है, वुड इट बिकम इजियर टू मोर डिफिकल्ट टू होल्ड, दैट मीन्स कि उसके ऊपर फिसलन होती है। जस्ट थिंक, वुड इट पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता क्या आप उसे होल्ड कर पाते, आप उसे पकड़ पाते। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्टी इज टू मूव ए वेट मडी, मतलब कि अगर हम मतलब कि कीचड़ में किसी चीज को चलाना, वहां पर पानी है तो वहां पर इजी होता है, या फिर मैं जो हमारा वेट मैट वेट मार्बल है किसी मतलब गीले पत्थर के ऊपर चलना इजी है। कैन यू इमेजिन ब्रिंग एबल टू वॉक एट ऑल, मतलब कि वहां पर अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या हम चल पाते, नहीं, अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम वहां पर चल नहीं पाते। यू कुड नॉट राइट विद ए पेन और पेंसिल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लिख भी नहीं पाते एंड किसी पेन को पकड़ भी नहीं पाते। व्हेन यूर टीचर इज राइटिंग विद चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड इट्स रफ सर्फेस रब ऑफ सम चॉक पाउडर विच स्टिक टू ब्लैक बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड पे वो क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते, चिपक जाते, जिसके कारण हम राइट वहां पर कर पाते। कुड इट हैपन इफ देयर आर नो फ्रिक्शन बिटवीन चौक, अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चौक से ब्लैक बोर्ड पर राइट नहीं कर पाते। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, जैसे कि हम साइकिल के ब्रेक्स की बात करते हैं, साइकिल की ब्रेक लगाते हैं तो वहां पर फ्रिक्शन होता है जिसके कारण हमारी साइकिल रुक पाती है। देयर नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड रोड, अगर वहां पर भी फ्रिक्शन नहीं होता तो हम वहां पर किसी कार को स्टॉप नहीं कर पाते एंड ना ही हम उसकी डायरेक्शन को वहां पर चेंज कर पाते। यू कुड नॉट फिक्स ए नेल ऑन द वॉल और ए टाई एंड नॉट, मतलब कि अगर हमें किसी वुड में किसी नेल को लगाना है तो उसको भी हम बिना फ्रिक्शन के वहां पर नहीं कर पाते। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, बिना फ्रिक्शन के हम किसी बिल्डिंग को भी नहीं बना पाते, दैट मीन्स फ्रिक्शन है जिसके कारण हम इतना काम कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एवल, मतलब कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है, यहाँ पर हमने उसकी मतलब कि एडवांटेज देखी क्या क्या है, लेकिन हम ये देखते हैं कि फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या है। इट वियर्स आउट मटेरियल वेदर दे आर स्क्रू बॉल बेयरिंग और सोल, हमने देखा कि वहां पर क्या है उनमें अजीब मतलब कि सिंबल बने होते हैं, वो सिंबल वहां पर क्यों बनाए जाते हैं, जैसे कि हमने सोल ऑफ शूज मतलब कि शूज के नीचे देखते हैं, या फिर हमारे फुटवियर्स होते हैं उनके नीचे जो है डिजाइन से बने होते हैं, वो किस लिए वहां पर बने होते हैं, वो हमारे फ्रिक्शन को लेस करने के लिए बने होते हैं जिसके कारण हम मूव कर पाते हैं। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस करता है हीट, दैट मीन्स कि जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आते हैं, दैट मीन्स कि अगर सूज के वहां पर सोल में अगर कुछ अलग टाइप का मटेरियल लगा हुआ है तो वहां पर क्या है वो हीट को प्रोड्यूस करते हैं। विग्रेसली रब यूअर पाम टूगेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स, अगर हम ऐसे ऐसे करते हैं तो हमें पता है वहां पर क्या होती है हीट प्रोड्यूस होती है, तो हाउ डू यू फील, हम वहां पर हीट प्रोड्यूस करते हैं। वेन यू स्टिक ए मैच स्टिक अगेनस्ट द रफ सर्फेस इट कैच द फायर, वहां पर कैच मतलब कि मैच स्टिक सभी ने यूज की है, उसमें अगर वहां पर रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण वहां पर क्या होती है फायर होती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट जार ऑफ ए मिक्सर बिकम हॉट वेन इट रन, दैट मीन्स कि अगर हम मिक्सर की बात करते हैं तो वहां पर भी हमारे पास क्या है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, तो फॉर ए फ्यू मिनट। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल इन विच हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इन फैक्ट वेन ए मशीन इज ऑपरेटेड, मतलब कि कोई मशीन है अगर हम उसमें काम कर रहे हैं तो उसमें भी क्या है हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण उसके जो वहां पर प्लास्टिक के जो पार्ट है मतलब कि कुछ फोर्स हमारा यूज होता है उसकी वहां पर वर्किंग करने में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में, एंड कुछ फोर्स है हमारा वहां पर फ्रिक्शन के लिए यूज होता है और उसी से हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण हमारे जो उसके रबड़ के जो मटेरियल होते हैं वो क्या हो जाते हैं डैमेज हो जाते। We shall discuss the ways of minimize friction in the following section. अब next हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने ये देखा कि friction के कारण हम क्या क्या कर पाते हैं, and अगर friction है वहां पर तो उसके वहां पर advantage भी है and disadvantage भी है, तो जब हमें advantage है या disadvantage है तो ऐसा हमारे पास वहां पर क्या factor है जिसके कारण हम friction को वहां पर less कर दे, जिसके कारण उसकी वहां पर कोई disadvantage ना रहे, तो student next हम करेंगे next video में।